तत्त्वम् असि यू आर दैट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या है इसका मतलब, क्या कहता है ये महावाक्य। छांदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है, तत्त्वम् असि यू आर दैट। सो यू आर दैट, वट एवर यू आर सर्चिंग, आप जिस किसी भी चीज की सर्च में हो, आप भगवान की सर्च में हो, आप हैप्पीनेस की सर्च में हो, आप जॉय की सर्च में हो, एक्सटेसी की सर्च में हो, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की सर्च में हो, वो तुम ही हो, वो तुम में ही है। यू आर दैट, तत्त्वम् असि। तो जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो इस टाइम पर, जैसे भी चीज आप सर्च कर रहे हो, यू आर दैट इन अ स्पिरिचुअल फील्ड। अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमारे एंसेंट फिलोसफर्स ने भी इसके बारे में काफी बार जिक्र किया हुआ है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी बताया हुआ है कि श्रीमद् भागवतम का जो मेन जो कंक्लूजन है वो यही है कि ब्रह्म आत्मा दोनों की एक बात की हुई है, दोनों एक ही तत्व हैं। अगर हम भगवद गीता की बात भी करें तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो हो वो उस परमात्मा को हर जगह देखो, हर कण कण में देखो, हर जगह है वो परमात्मा। तो बेसिकली वो तुम में भी है, वो सामने वाले पर्सन में भी है, वो इनफाइनाइट एनर्जी जो है, इनफाइनाइट एनर्जी का जो सोर्स है, दैट इज दी आत्मन, दैट इज दी आत्मा सोल, वो सोल और वो जो सुपर सोल है, वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो भी तुम ही हो। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो तुमसे अलग नहीं है। द ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। द सीयर इज दी सीन, द एक्सपीरियंसर इज दी एक्सपीरियंस, द थिंकर इज दी थॉट। सो यहाँ पर जो है वो बात करी जा रही है अद्वैत फिलॉसफी की, अद्वैत वेदांता के बारे में बात करी जा रही है तत्व असी के थ्रू। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपने आप को समझो कि मैं ही जो है वो सबसे ऊपर हूँ, नहीं, सामने वाला पर्सन, पूरी ह्यूमैनिटी, यहाँ पर जो कंसेप्ट आ गया, नर ही नारायण है, ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ी जो है वो सेवा है। तो यहाँ पर ये बताता है तत्व असि, यानी तुम जो सामने वाले पर्सन को देख रहे हो वो भी तुम हो। तो आप क्या सामने वाले पर्सन का नुकसान करेंगे जब आपको पता लगेगा कि वो मैं ही हूं? तत्व असि यू आर दैट। सो जिस किसी भी चीज की आप तलाश में हो वो अपने अंदर खोजो, अपने अंदर उसको देखो। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड इट्स ऑल इन यू, यू आर दैट, तत्व असि। सो यहाँ पर इस जो मतलब है महावाक्य का वो यही है कि यू आर दैट, वट एवर यू आर सर्चिंग, योर हैप्पीनेस, योर एवरी थिंग, यू आर दैट, तुम ही हो वो। सो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।